लाहा क्षेत्र के दबोह आलमपुर में कुदरत का कहर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाताओं की फसल चौपट। भिंड जिले में किसान पहले से ही कई मुसीबतों के चलते परेशान चल रहा था, चाहे खाद बीज न मिलने की समस्या हो, बेसहारा गायों से लगातार फसलों का नुकसान होता रहा हो, मगर अब कुदरत के कहर अन्नदाता के ऊपर वज्रपात गिर गया हो। लगातार हो रही 3 दिन से बेमौसम बरसात से जिले में किसानों को नुकसान हुआ है। बात करें भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर दबोह सहित दर्जनों गांवों की, तो यहां पर बेमौसम बारिश से किसान परेशान है और ऐसे में पशुधन मकान गिरने से दबकर काल के गाल में समा गए हैं। ओले इतनी ज्यादा मात्रा में गिरे कि 8 घंटे बाद सुबह ज्यादातर जगह दिखाई दे रहे थे। प्राकृतिक आपदा को अन्नदाताओं ने तब समझा जब सुबह होते ही अपने खेतों पर गए तो देखकर उनकी छाती फट गई। खेतों पर रोते बिलखते दिखाई दिए अन्नदाताओं का कहना है कि लगातार प्रशासन के ढीले रवैये से हम परेशान चल रहे थे और ओलावृष्टि वर्षा ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बचे हुए अनाज के दानों से हम अपने कई सपने परोए हुए थे, जिससे बच्चों के स्कूल की फीस, उनके लिए कपड़े लाएंगे, अब हम कर्जा कहां से चुकाएंगे, मुंह ताक रहे बच्चों को क्या समझाएंगे। हालांकि संवेदनशील भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने ओलावृष्टि हुए खेतों पर पूरे प्रशासनिक अमले को खेतों पर हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रवाना कर दिया है। मौका स्थान से नुकसान की फोन पर जानकारी राजस्व निरीक्षक से ली है। वह भाजपा व कांग्रेस के नेता किसानों को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं और किसानों को अपने स्तर पर पूर्ण मदद दिलवाने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि किसान हितैषी का दावा करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी लाचार किसानों को क्या मदद दिलवाती नजर आएगी। हमारी फसल साफ हो गई, मुझे बच्चे की फीस कैसे भरेंगे साहब, मुझे बच्चा पता छोटे छोटे का करें साहब, मजबूरी है साहब, परास हो चुके साहब, कोई मान लो हिंदे साहब, हमारे पास तो गरीब आदमी है साहब, कर्ज खाने खेती करी साहब, बच्चन की फीस नहीं भर पा रहे, सफाई जल जाए साहब, बूढ़े पड़ गए, क्या करें साहब, सफाई जल जाए कुछ नहीं है। कितनी बीघा खेती है आपकी? खेती बैठा था सब 15 बीघा, 15 बीघा सफाई जगह, हम कुछ नहीं है। लिखा होगा पत्रकार जी, 60% नुकसान है किसानों का, इतनी ओलावृष्टि हुई है कि फसल बची ही नहीं है सर, फसल पूरी संपूर्ण नष्ट हो चुकी है। हम तो शासन से मांग करेंगे कि इन किसानों को ज्यादा ज्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि कई एक तो कोरोना की वजह से किसान परेशान था, धंधे व्यापार सब चौपट थे। क्या स्थिति है ओले की? ओले की यहाँ बहुत भयंकर स्थिति है, और यहाँ 70% नुकसान है, 70-80% बीच के बीच में नुकसान है। यहाँ कौन कौन से गांव पेड़ टूट गए, कई मकान गिर गए, और फसलें तो जी मानो के कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि बिल्कुल 100% नुकसान है। ओलावृष्टि से ऐसा हुई है, 3 दिन से लगातार हो रही है, खेतों में कीचड़ है इस समय, तो मेड़ मेड़ पर तो नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सूखा होगा तो एक एक खेत का हम लोग सर्वे करवाएंगे, नुकसान हुआ है लोगों। हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी प्रदेश सरकार किसान हितैषी है, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही किसानों के हित में कार्य करते आए हैं, और मैं यहाँ देख रहा हूँ किसान भाइयों का फसल में 100% नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के लिए ये फसल ही उनके जीवन यापन का साधन है, यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका व्यापार है। हमारी सरकार हमेशा ही किसान भाइयों के साथ खड़ी है, और मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को इस नुकसान का 100% मुआवजा सरकार दे।